नमस्कार, डिलीशियस लड़का में आपका स्वागत है। जब कुछ समझ ना आए पर अचानक मेहमान आ जाए तो आप ऐसे आलू बनाएं जिसे खाने के बाद हर कोई बार बार बनाने की फरमाइश करे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास आलू है ये 750 ग्राम है। इनको हमने कुकर में 2 विसल में उबाला है क्योंकि ये थोड़े बड़े आलू थे। तो अब हमने क्या किया, इसे छील कर तो तैयार कर लिया। काटा कैसे है देखिए, पहले मैं 2 भाग करूंगी। 1 भाग में से भी मैं 1 भाग और कर रही हूँ और इस ढंग से काट कर हम तैयार कर लेंगे। देखिए आलू बहुत अच्छे से उबला हुआ होना चाहिए। देखिए सारे आलू को तो हमने काट लिया है। अब मैंने एक पैन लिया है, गैस ऑन कर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। उसको हम गरम कर लेंगे। जैसे ये गरम हो जाएगा मैं इसमें थोड़ा सा तो नमक डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून में हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ा सा फैला देंगे। अब सभी आलू को इसमें हम डाल देते हैं। आज जो हम आलू को थोड़ा शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होगा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और अंदर तक आलू फीका नहीं लगेगा। लेकिन ये सारा काम मैं तेज गैस पर ही कर रही हूँ। देखिए हो गए हैं, इसे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 3-4 मिनट ही लगे हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि पैन गर्म है ना, तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल, इसको हम गरम कर लेते हैं। जैसे ये गरम हो जाएगा मैं इसमें डालने लगी हूँ 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून डाल देंगे मेथी दाना। ज़्यादा मेथी दाना नहीं डालना है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। कलौंजी से भी ना इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। थोड़ा सा चला देंगे। मैंने 1 प्याज ली थी उसको छोटा छोटा काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। अब हमने प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। पहले 2 मिनट तक प्याज को भून लें। देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची को छोटा छोटा काट के। मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था उसको पतला और लंबा काट लिया है, वो डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, होता है ना उसकी डंडी, उसमें पूरा फ्लेवर होता है, वो मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं। थोड़ा सा चला देंगे। अब डालेंगे कुछ मसाले। देखिए 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाली है लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली है, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें मैं हल्दी। थोड़ा सा पहले चला दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए मसाले जले ना, अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब। अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें डाल देंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब इसमें सारे आलूओं को डाल देते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। देखिए आलू जो हैं हमारे पके हुए हैं, हमने उबाल रखे हैं और शैलो फ्राई भी कर रखे हैं। बहुत अच्छे से आलू तो हमारे पके हुए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और जो कुछ चीज़ें हैं ना, जो खास चीज़ वो बाद में डालेंगे। अब हमने इसमें कोई खटाई नहीं डाली है, ना ही टमाटर डाला है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे दही। और ये मैंने जो दही लिया है, हमने 750 ग्राम आलू के हिसाब से 200 ग्राम के करीब कम खट्टा दही लिया है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। इसे अच्छे से फेंट लिया है। बस इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया जिसको मैंने धो के काटा है। मिक्स कर दें। ये देखिए जो आलू है ना वो भी बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना तब इसमें हम दही मिक्स करेंगे। गरम आलू में नहीं करना है, जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं तभी मिक्स करें अच्छे से।
गैस ऑन मैंने नहीं करी है। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया दही को। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। ये हमारे नए तरीके के आलू बनकर तैयार हैं, जिसे आप चपाती, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ये इस आलूओं को, वैसे तो आपने बहुत तरह से आलू बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से भी आलू बना के देखें, जो सबको बहुत ही पसंद आएंगे। और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये कैसे लगे। धन्यवाद।